आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं जाति फल। जाति फल जो है एक पौधा है यानी वनस्पति है। संस्कृत में इसे जाति फल के नाम से जाना जाता है, जाति कोष के नाम से जाना जाता है, मालती फल के नाम से जाना जाता है और हिंदी में जय फल के नाम से जाना जाता है। इसका पौधा जो है आपको एक वृक्ष होता है, कोमल शाखा युक्त होता है, इसकी शाखा जो है कोमल होता है और 30 से 40 फीट ऊंचा होता है और इसकी पत्ता जो है 3 इंच लंबा होता है, अंडाकार होता है, आयताकार होता है या फलाकार होता है और पत्तियां पर पीले भूरे रंग होते हैं। अर्धपृष्ठ पत्तियां पर लाल भूरे रंग की सिराए दिखाई देता है। पुष्प जो है एक लिंगी होता है, छोटा होता है, आपको सुगंधित होता है और पीत वर्ण का और छायाकार पुष्प होता है। इसका फल जो है गोलाकार, अंडाकार, 3 इंच लंबा और चिकना होता है। अब आपको हमारे प्राचीन काल के महर्षियों ने इस रोग पर और इस पौधा के बारे में, इसका तासीर या गुण के बारे में क्या बताए हैं, आपको वीडियो को अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं इसे लाइक कर दीजिए। कफ और बात विकार में इसका हम प्रयोग करते हैं। कफ और बात दोनों आयुर्वेद का दोष है। गुण में यह लघु है यानी इसको खाने पर, जाति फल के खाने पर यह तुरंत पच जाता है और शरीर में तीक्ष्णता उत्पन्न करता है। इसका रस जो है तिक्त है और कटु है। विपाक जो है कटु है और इसका वीर जो है उष्ण है। सिर के दर्द में फल का लेप करने से सिर का दर्द जो है समाप्त हो जाता है। संधि शोथ में भी बीज का हम लेप करते हैं यानी पीस कर इसको लेप बना लेते हैं और संधि के जगह यानी ज्वाइंट पेन पर इसको लगाने से, लेप करने से सूजन और दर्द जो है समाप्त हो जाता है। चर्म रोग में हम मलहम बनाकर चर्म रोग में इसका प्रयोग करते हैं और बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ध्वज भंग में इसका तेल जो है सीसन पर लगाते हैं और बहुत अच्छा लाभ करता है। बच्चा के प्रतिसाय में यानी निमोनिया में आपको जाति फल के बीज को सरसों के तेल में घिस कर माथे पर रखने से प्रतिसाय जो है सदा के लिए समाप्त हो जाता है। कीड़ा मारने के लिए भी इसका तेल का हम प्रयोग करते हैं और शरीर में किसी भी स्थान पर कीड़ा हो वह कीड़ा को मार देता है। अनिंद्रा में इसका हम प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसका बीज का प्रयोग करते हैं। दर्द में हम बीज का प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आक्षेप में हम बीज का प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आक्षेप के मतलब एक शरीर में दौरा पड़ना, आपको शरीर में ऐठन पैदा हो जाना, बेहोशी हो जाना, आक्षेप आता है, उसमें जो है यह औषधि, इसका बीज जो है बहुत अच्छा कारगर है। बात विकार में भी हम बीज का प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अग्निमांड में हम प्रयोग करते हैं, अजीर्ण में प्रयोग करते हैं, यकृत विकार में प्रयोग करते हैं, अतिसार में हम इसका प्रयोग करते हैं, ग्रहणी रोग में इसका हम प्रयोग करते हैं, कृमि रोग में इसका हम प्रयोग करते हैं यानी बीज का प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। कृष्णा रोग में हम प्रयोग करते हैं। कृष्णा रोग का मतलब होता है बार बार प्यास लगना, उसमें इसका बीज का प्रयोग करते हैं, प्यास लगना जो है समाप्त हो जाता है। और कॉमन में इसका हम प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा लाभ मिलता है।
कॉमन में भी हम बीज का प्रयोग करते हैं और बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अतिसार में हर बार अगर दस्त हो रहा है तो बीज को घिस के नाभि पर लगाने से अतिसार जो है होना बंद हो जाता है। हृदय रोग में भी हम इसका प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। हृदय रोग में भी हम बीज का ही प्रयोग करते हैं और बहुत अच्छा लाभ मिलता है आपको। काम उत्तेजना के लिए या स्तंभन के लिए किसी दूसरे योग में हम जाति फल के बीज को इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छा फायदा करता है और काम उत्तेजना को उत्तेजित करता है, स्तंभन करता है। रजोरोध में हम इसका उपयोग करते हैं, यानी MC का रुक जाना या MC का ना आना, उसमें बीज का हम प्रयोग करते हैं और MC जो है चालू हो जाता है। कष्ट आर्तों में हम इसका प्रयोग करते हैं, कष्ट के साथ जो MC आता है उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ज्वरा अतिसार में हम इसका प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अतिसार या ग्रहणी रोग हो जाने के बाद अगर दुर्बलता हो गया है शरीर में, उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। जिस घाव से अगर दुर्गंध आ रहा हो, यानी दुर्गंध बहुत खतरनाक आ रहा है, उसमें इसका बीज का चूर्ण करके और घाव पर या वर्ण पर उसको बुरकने से जो है घाव को निमन कर देता है और दुर्गंध को समाप्त कर देता है। यह औषधि बहुत अच्छा है। जाति फल जो है आपको मोल ककस का मूल निवासी है और आपको ऐसे दक्षिण भारत में भी इसको पैदा किया जाता है, यानी उगाया जाता है, भारत के दक्षिण भारत में मिलता है। और जाति फल का निर्यात जो है अधिकांश विदेशों से भारत में होता है। और वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो देखने के लिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। जय धन्वंतरी।